नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। इस समय हम मौजूद है बद्दी क्षेत्र में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो वर्षा इस बार हुई, अत्यधिक वर्षा हुई, जिसके कारण जो यहां संपर्क मार्ग था वो बाधित हो चुका था, लेकिन फिलहाल वैकल्पिक जो मार्ग है उसे निकाल दिया गया है। मैं सहयोगी से चाहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाई, जिस तरीके से यहाँ पर जो वैकल्पिक मार्ग है वो सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या वो लगातार बनी है। वही यदि बात की जाए, जो केंद्र से जो टीमें हिमाचल प्रदेश पहुंची है, और कल की बात की जाए, कल शुक्रवार है, तो शुक्रवार को वह बद्दी के जो खासकर जो बद्दी क्षेत्र में 400 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है, वो टीमें यहाँ का भी निरीक्षण करेगी तथा वह केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके पश्चात हिमाचल प्रदेश को राहत राशि दी जाएगी। यदि बात की जाए, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही स्पष्ट रूप से कहा है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अगर बद्दी की बात करें, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ की तस्वीरें में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो यहाँ पर जो पुल था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके कारण आने जाने में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं पिंजौर के पास भी पुल टूटने के चलते लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यदि बात की जाए, जो आज केंद्र से जो टीमें आई है वह है कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन, बद्दी जाएगी। अगर बात की जाए, जो जिला जो उपायुक्त है, खासकर सोलन या शिमला जिला की बात करें, जिन जिन क्षेत्रों में यह टीमें जाएगी वहाँ के उपायुक्त और उच्च अधिकारी उनके साथ रहेंगे। अगर आज की बात की जाए तो एक टीम आज कांगड़ा जाएगी, तथा जो अगस्त माह के आखिरी सप्ताह के दौरान जो पौंग डैम में पानी छोड़ा गया था, इसके चलते लोगों के घर में अत्यधिक तबाही हुई थी, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा तथा वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसके अतिरिक्त यदि बात की जाए तो दूसरी जो टीम है वो सिरमौर जाएगी, और सिरमौर में जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन करेगी। इसके पश्चात शुक्रवार को जो कल जो टीमें आएगी वह मंडी जिला के जो पंडोर क्षेत्र में अत्यधिक नुकसान हुआ उन क्षेत्रों का दौरा करेगी। वहीं जो दूसरी टीम है सोलन के बद्दी में, जहां पर 400 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है, वहां का निरीक्षण करेगी। वहीं आप देख सकते हैं जो पुल बनाने का कार्य है वो भी लगातार यहां पर जारी है। खासकर अगर बात की जाए तो पिछले माह जिस तरीके से कुल्लू, मंडी और शिमला, किन्नौर जिला में जो नुकसान हुआ था, उसके लिए भी जो केंद्र की टीम वहां पर पहुंची थी, फिलहाल जो टीमें कल जो बद्दी में यहाँ पर पहुंचेगी और यहाँ का निरीक्षण करेगी। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो सड़क मार्ग है, फिलहाल जो वैकल्पिक मार्ग है उन्हें खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी खासकर अगर आप पिंजौर से बद्दी की तरफ आएंगे तो आपको मात्र 20 किलोमीटर के सफर में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि भारी यहाँ पर ट्रैफिक है। फिलहाल यहाँ पर जो वैकल्पिक मार्ग है वहाँ भी ट्रैफिक इतना अधिक है, जिससे लोगों को भी आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जो बड़ी बात यही है कि जो केंद्र की जो टीमें आई है, जांच एजेंसी आई है, वह फिलहाल जिन जिन क्षेत्रों में अत्यधिक नुकसान हुआ उसका आंकलन करेगी, उसके पश्चात इसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सौंपी जाएगी, ताकि हिमाचल प्रदेश को राहत मिल जाए। लगातार जिस तरीके से पक्ष का कहना है कि जो हिमाचल प्रदेश में इतना अधिक नुकसान हुआ, तो हिमाचल प्रदेश को जो राहत मिलनी थी वो नहीं, इतनी अधिक नहीं मिली, जो मिलनी थी वो ऑटोमेटिक, यानी कि आपदा आए या ना आए उस दौरान भी हिमाचल प्रदेश को दी जाती थी। लेकिन वहीं अगर केंद्र की बात की जाए, जिस तरीके से जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत अनेक नेताओं ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया, वहीं उनका कहना है कि जब नड्डा जी यहाँ पर पहुंचे तो 200 करोड़ रुपए दिए गए, वहीं जो प्रधानमंत्री जो सड़क योजना के तहत जो सड़कों के लिए 27,000 करोड़ रुपए दिया गया। इसके अतिरिक्त यदि बात की जाए, पहले 6,000 मकान और 5,000 मकान केंद्र की ओर से बनाने का जो प्रबंध किया गया, ऐसे में केंद्र की ओर से लगातार जो नुकसान हुआ उसके लिए बजट आए। लेकिन जिस तरीके से पक्ष का कहना है कि राज्य आपदा घोषित किया जाए, वही भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य नेताओं का कहना है कि इसके लिए एक पैमाना होता है, पैमाना के आधार पे ही राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है, लेकिन उस पैमाने में फिलहाल हिमाचल प्रदेश नहीं आया है, और हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दूसरा घर मानते हैं। यदि जरूरत हुई और हिमाचल प्रदेश को और आर्थिक मदद की तो वो पूरी मदद की जाएगी। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, बद्दी से इंडिया न्यूज।